हिमाचल प्रदेश में सर्दी ने अपनी दस्तक दे दी है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी होने से प्रदेश के लोग शीतलहर की चपेट में आ गए हैं। लोगों को गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। राजधानी शिमला में भी बीती रात से रुक रुक कर बारिश का सिलसिला चल रहा है। लोग ठंड से ठिठुरने को मजबूर हो गए हैं। मौसम विभाग ने पहले ही 6 से 8 नवंबर तक पश्चिम विक्षोभ के सक्रिय होने से बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी कर दी थी। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक मनमोहन सिंह ने बताया कि बीते 24 घंटों में सबसे ज्यादा बारिश मंडी जिला के कोठी क्षेत्र में 11 मिलीमीटर दर्ज की गई है, जबकि चंबा, कुल्लू, लाहौल स्पीति और किन्नौर के ऊपरी इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई है। आगामी 24 घंटों में प्रदेश के कुछ इलाकों में भारी बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी की संभावना जताई गई है। ताजा बारिश से तापमान में भी 3 से 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। निदेशक मनमोहन सिंह ने बताया कि ताजा बारिश से जहां लोगों को प्रदूषण से राहत मिलेगी, वहीं किसानों व बागवानों की फसल के लिए भी ये बारिश किसी सौगात से कम नहीं है। 9 नवंबर से प्रदेश में मौसम के साफ रहने की संभावना जताई गई है। हाँ, हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटों में जो स्कैटर्ड प्लेसेस पे बारिश रिकॉर्ड की गई, लाइट टू मॉडरेट बारिश रही और ऊपरी इलाकों में स्नोफॉल रिकॉर्ड किया गया। स्नोफॉल जो है वो हिमाचल प्रदेश के जो ऊपरी इलाके थे, जिसमें डिस्ट्रिक्ट चंबा के ऊपरी इलाके और लाहौल स्पीति और किन्नौर का इलाका और जो डिस्ट्रिक्ट मंडी, कांगड़ा और सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के जो ऊपरी इलाके थे, हाई रिचेज वाले इलाकों पर जो लाइट स्नोफॉल रिकॉर्ड किया गया। सबसे ज़्यादा जो बारिश है वो डिस्ट्रिक्ट मंडी में रही। जो सुबह 8 बजे तक जो बारिश रिकॉर्ड की गई वो कोठी में 11 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई और उसके साथ ही गुंडला में 3 सेंटीमीटर स्नोफॉल, कोठी में 2 सेंटीमीटर और किलोंग में 1 सेंटीमीटर मॉर्निंग तक जो स्नोफॉल रिकॉर्ड किया गया। उसके बाद भी जो आज दिन में जो बारिश और स्नोफॉल जो है कुछ एक जगह कंटिन्यू चलती रही। जो आज जो फोरकास्ट है डे वन के लिए, आज जो हिमाचल प्रदेश के निचले इलाके हैं वहाँ पे मैनी प्रेशर बारिश हो सकती है, मिड और हाई रिचेज वाले इलाकों पे मोस्ट प्रेशर पे बारिश और जो ऊपरी इलाके हैं वहाँ पे स्नोफॉल होने की पॉसिबिलिटी है। आज के लिए हैवी रेनफॉल की वार्निंग भी इश्यू की गई है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट मंडी, कांगड़ा और चंबा डिस्ट्रिक्ट में हैवी रेनफॉल होने की कुछ एक जगह पे पॉसिबिलिटी है। और डब्ल्यू का इफेक्ट जो है वो 8 तारीख से कम हो जाएगा। कल एक दो स्थानों पर बारिश या स्नोफॉल हो सकती है। जो बारिश से और स्नोफॉल से टेम्परेचर में भी गिरावट रही पिछले